जमाना गुजर जाता है पर अपने साथ जुड़े हुए लोगों को भी ले जाता है। बात है सन 1979 के गोल्डन एरा की। कैबरे डांसर और अभिनेत्री हेलन अपना आखिरी डांस की शूटिंग महबूब स्टूडियो में कर रही थी, पर उसी स्टूडियो के दूसरे कोने में एक नवयुवक लड़की अपना पहला कैबरे डांस का शूट कर रही थी। एक स्थान पर किसी का जमाना खत्म हुआ तो किसी का शुरू हुआ। वो थी 80 के दशक की मशहूर डांसर कल्पना अय्यर। मैं हूं अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। दोस्तों, डांसर के रूप में प्रसिद्ध रही कल्पना अय्यर मिस इंडिया भी रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने मिस वर्ल्ड समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। पर क्या कल्पना अय्यर बचपन से इतनी होनहार थी? तो चलिए इनकी कहानी की शुरुआत बचपन से करते हैं। आओ। इतनी रात गए, यहाँ कैसे आ गई? पतिदेव को नींद की गोलियां खिलाकर, वरना छोड़ते बेला निचोड़ डाला है कम्बख्त, और सारी दौलत भी अपनी बहन के नाम कर दी है। अरे बे, ऐसे विचार रखती हो, मेरे ध्यान में भी नहीं था। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, तुम इस घर के रहमो करम पर हो। एहसान मानने की बजाय उल्टा हुक्म चलाना चाहती हो। मुफ्त में अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छा पहनने को मिल रहा है। अगर इस घर का सहारा ना होता तो तुम सड़कों पर भीख मांगती फिरती या फिर अपना बदन नुचवाती होती। पति पत्नी के बीच दीवार बनने के बजाय अपनी औकात पहचानो। मेरे पति की दौलत पर नजर गड़ाने के बजाय अपनी हैसियत के अंदर रहना सीखो। दोस्तों, कल्पना जी का जन्म दक्षिण भारतीय ब्राह्मण परिवार में 17 अप्रैल 1956 को हुआ था। उनका परिवार मिडिल क्लास स्थिति में था, उन्हें अन्य भाई बहनें भी थी। कहा जाता है कल्पना कमाने लगी तब पूरे परिवार की जिम्मेदारी कल्पना पर थी। फिल्म जगत से उनके परिवार का कोई संबंध नहीं था, पर कल्पना बचपन से नृत्य कला में पारंगत थी। हालांकि उन्होंने कभी भी नृत्य का प्रशिक्षण नहीं लिया था, पर इस बात के विपरीत जब वो डांस किया करती थी तब सबके होश उड़ जाते थे। मोहल्ले में होने वाले सारंभ और प्रतियोगिता में कल्पना सहभाग लेती। एक दिन स्टार गायक मुकेश साहब के मित्र, जो खुद कोरियोग्राफर थे, वो कल्पना के स्कूल आए। वहां उन्होंने कल्पना को नृत्य करते हुए देखा। कल्पना के इस कला से वो बहुत प्रभावित हुए और तुरंत ही उन्होंने कल्पना की माँ से बात की। कल्पना के माताजी से उन्होंने कहा, मैं आपकी बेटी को मुकेश साहब से मिलवाना चाहता हूँ। ये सुनकर माँ और कल्पना दोनों खुश हो गई। कल्पना ने सोचा कि इतने बड़े सिंगर से उनकी मुलाकात होने जा रही है, इस मौके को मैं क्यों जाने दूँ। तो फिर इस तरह वो मुकेश साहब के ग्रुप में शामिल हुई। उस जमाने में बड़े बड़े सिंगर्स लाइव शोज आयोजित किया करते थे, जहां मुकेश जैसे सिंगर्स गाना गाते थे और डांसर्स डांस करते थे। मुकेश साहब के साथ कल्पना अलग अलग शहरों में जाने लगी, पर 1973 में वो सबसे पहले विदेश अमेरिका गई। वहां से लौटने के बाद कल्पना ने अन्य बड़े सिंगर्स के साथ काम करना शुरू किया। उनमें मन्ना दे, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी जैसे नामी हस्तियाँ हैं। जब वो किशोर अवस्था में थी तब भी उन पर घर की जवाबदारी थी। घर संभालते हुए वो डांस किया करती थी। काम की तलाश करते हुए वो मॉडलिंग क्षेत्र और एडवर्टाइजमेंट से जुड़ गई। उनकी खूबसूरती और अद्भुत कला के बदौलत वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए चुनी गई और मध्यम वर्ग से आई कल्पना अय्यर बन गई मिस इंडिया। इसके बाद उन्होंने मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन में भारत का नेतृत्व करते हुए टॉप 15 उम्मीदवारों में जगह भी बनाई। एक इंटरव्यू में कल्पना जी बताती हैं, हमें तो बस काम की तलाश होती थी, कम चीजों के आधार पर हमने काफी ऊंचाइयां नापी हैं। आज की दुनिया एकदम बदल चुकी है, हमारे जमाने में ऐसा कुछ नहीं था। 1978 के साल में जब मैं मिस इंडिया बनी तब भी हम आम नागरिक ही थे, कोई ईगो घमंड नहीं होता था। जब मिस वर्ल्ड के लिए मैं विदेश जा रही थी तब मेरे पास ज़रूरतमंद वस्तुएं भी नहीं थी, हम दूसरों से मांगते थे, पर आज का समय एकदम बदल चुका है। मिस वर्ल्ड के दौरान उन्हें अपनी जिंदगी की पहली फिल्म में काम करने का मौका मिला।
राजश्री प्रोडक्शन अंतर्गत निर्मित इस फिल्म का नाम था मनोकामना, जिसमें राज किरण और मधु कपूर भी थे। असल में कल्पना ने कभी नहीं सोचा था कि वो अभिनेत्री बनेंगी, पर राजश्री जैसे बड़े निर्माता को कौन मना करता। महबूब स्टूडियो में शूटिंग के दौरान देवानंद साहब ने कल्पना को देखा और उन्हें कहा, मेरे फिल्म में डांस करोगी? इतने बड़े सुपरस्टार द्वारा ऑफर मिलना ये कल्पना के लिए बहुत बड़ी बात थी। उनके खुशी का ठिकाना ही नहीं था। पर मनोकामना के अन्य कलाकारों ने ऑफर ठुकराने को कहा, क्योंकि उनका कहना था कि एक फिल्म में तुम हीरोइन हो और एक फिल्म में मामूली डांसर रहोगी, जो तुम्हारे करियर के लिए ठीक नहीं रहेगा। पर कल्पना ने इन बातों को नज़रअंदाज करते हुए कहा, मुझे मनोकामना फिल्म किस्मत से मिली है, अभिनेत्री बनना भी कहां तय था। देवानंद से उन्हें जो फिल्म मिली वो 1980 की लूटमार फिल्म थी। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म भले ही औसत रूप में चली, पर फिल्म के गाने बड़े हिट हुए। खास तौर पर कल्पना अय्यर पर फिल्माया गया गीत जब छाए मेरा जादू काफी लोकप्रिय हुआ। इस गाने के बदौलत उन्हें कैबरे डांसर के रूप में पहचान मिली। लूटमार के बाद कुदरत, प्यारा दुश्मन, बम्बई का महाराजा, साजन की सहेली, इन फिल्मों को उन्होंने 4 दिन के अंदर साइन किए और यहीं से सही मायनों में उनका फिल्मी जीवन शुरू हुआ। कोई यहाँ नाचे नाचे, हरी ओम हरी, संभा हो, तू मुझे जान से भी प्यारा है, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, इन सभी गीतों के लिए आज भी कल्पना अय्यर जानी जाती हैं। अपने निजी जीवन में वो समय के प्रति हमेशा ईमानदार रही। सट्टे पर सट्टा फिल्म के शूटिंग के लिए सभी को 5 बजे सेट पर पहुंचना होता था, पर केवल अमिताभ और कल्पना समय से पहले पहुंचा करते थे। अपने जीवन में 80 से भी ज़्यादा फिल्में कल्पना जी ने किए हैं और लगभग काफ़ी मशहूर टीवी सीरियल्स के जरिए वो लोगों का मनोरंजन करती रही। बनेगी अपनी बात 1993, जुनून 1995, चंद्रकांता जैसे सुप्रसिद्ध सीरियल में वो हमें दिखती हैं। 90 के दशक का चंद्रकांता सीरियल में वो नेगेटिव किरदार में थी। कल्पना अय्यर ऐसी अभिनेत्री रही हैं जो ये बात मानती हैं कि उनके किस्मत ने उन्हें बहुत साथ दिया है, पर कड़ी मेहनत के बदौलत उन्होंने मुकाम हासिल किया था। उनके पर्सनल जीवन पर रुख किया जाए तो ये बात सब जानते हैं कि वो आजीवन कुंवारी हैं। फिल्म इतिहासकारों का मानना है कि कल्पना अपने बहन के छोटे बेटे को लेकर शूटिंग सेट पर आती थी। तब लोगों को लगता था कि ये उनकी और अभिनेता अमजद खान की संतान है। फिल्मी गलियारों में ये बात भी काफ़ी मशहूर है कि कल्पना अय्यर और अमजद खान में प्रेम संबंध थे, पर कल्पना जी ने कभी इस पर खुलकर बात नहीं की है। अमजद खान के शादी के बाद कल्पना दुबई गई, वहाँ वो होटल्स के रिलेटेड बिजनेस करने लगी। पर आज कल्पना जी 65 साल की हो चुकी हैं और मुंबई में अपने परिवार के साथ आनंदित जीवन बिता रही हैं। तो मैं थी आपकी अनामिका, मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।